नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ईसीएल से निकालने का मामला। ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त एडवोकेट आमिर जहीर ने दायर की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमर शाकिर से। जी उमर शाकिर, बताइएगा दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जी, दरख्वास्त मुकामी वकील की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें मौकफ ये तैयार किया गया था कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ईसीएल में खिलाफ कानून डाला गया। ये दरख्वास्त अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई थी और अदालत ने दरख्वास्त गुजार को वजारत दाखिला का ईसीएल में नाम डालने से मुतल्लिक हुक्म नामे की कॉपी अदालत में जमा करवाने की हदायत की थी। ताहम अदालत की दरख्वास्त गुजार की जानिब से अब एक मुतफरिक दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई है।